अभिषेक कुमार ने बोला मुनव्वर फारूकी को कि भाई जब वो आई थी ना, अगर ये डिसीजन तो 2-3 दिन में ये ले लेते ना जो तूने आज लिया है, तो बहुत ही कमाल होता। आज तेरे ऊपर लोग उंगलियां नहीं उठाते, जो कि एक्चुअली में लोगों ने ऐसी सब चीज़ें बोली हैं तुझे। विकी भैया और मुनव्वर और अभिषेक बैठ के काफ़ी सारी बातें करे, गेम से रिलेटेड बातें हो रही हैं, बाहर से रिलेटेड बातें हो रही है, ज़िंदगी से रिलेटेड बातें हो रही हैं। वहीं पर जो है मुनव्वर ने एक डिसीजन लिया है जो कि मुंह पे आयशा के बहुत क्लियर कट चीजें बोल दी है, क्लियर कर दिया है सब चीजें अब मुनव्वर फारूकी ने। तो इस चीज को सुनने के बाद जो है टांग भी खींच रहे हैं मुनव्वर को, अभिषेक बोल रहे हैं कि यार तूने जो चीज आज की ना वो बहुत ही अच्छी की, ये चीज एक्चुअली में तू 2-3 दिन में कर देता ना जो आज की, तो बहुत अच्छा होता। इस चक्कर में मेरे भाई को जो है चार लोगों ने चमन प्रश का वीक बोल के चमन प्रश के 4 चम्मच खिला दिए, तो काफी ज्यादा हंस रहे हैं। वहीं पर जो है विक्की भैया बोल रहे हैं आखिरकार कैसे करता, कैसे डिसीजन लेता, ये मजे भी तो इसके बहुत ज्यादा इसको आ रहे थे, तो वहाँ पर टांग भी खींच रहे हैं। हालांकि आपको और मुझे भी पता है कि मुनव्वर ने आखिरकार वो चीज़ें क्यों की। मुनव्वर ने वो चीज़ें इसीलिए की क्योंकि वो फिक्स करना चाहते थे खुद को भी और आयशा को भी, तो उनको गिल्ट हो गया था। आयशा आई तो उसने बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल दिया, जहाँ पर उनको लगा कि भाई मैं तो गलत ही हूँ, और डिप्रेशन में तक डाल दिया, जिसके कारण मुनव्वर सिर्फ उसकी उंगलियों पर नाचने लग गया। पर मुनव्वर को जब सपोर्ट मिला सलमान खान का और पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ और आयशा ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने आयशा के साथ गलत नहीं किया है, तो भाई मुझे जो है फोकस होना चाहिए गेम के ऊपर, तो वो मुनव्वर जो है वापस आ गए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।